लिखते समय हाथों का कांपना हो सकता है पार्किंसन रोग का लक्षण, कहा डॉक्टर सलिल उप्पल ने। रानी का बाग स्थित उप्पल न्यूरो अस्पताल में विश्व पार्किंसन जागरूक दिवस के मौके पर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सलिल उप्पल ने जानकारी दी कि पार्किंसन रोग एक दिमागी विकार है। ये रोग मुख्य रूप से मरीज के नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है। पार्किंसन रोग दिमाग में बनने वाले एक केमिकल डोपामाइन के कम हो जाने के कारण होता है, जिससे रोगी में पार्किंसन के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। इसके मुख्य लक्षण है शरीर का कांपना, धीरे धीरे चलना, चलते समय संतुलन न बनना। इसकी शुरुआत शरीर के छोटे से अंग जैसे उंगली, हाथ इत्यादि से होती है, जो कुछ समय के बाद पूरे शरीर में फैल जाती है। डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी ज़्यादातर 60 साल या इससे अधिक उम्र के लोगों में पाई जाती है और इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से मुख्य कारण है जेनेटिक। यदि किसी व्यक्ति के परिवार में किसी को पार्किंसन रोग है तो उसे भी ये रोग हो सकता है। इस बारे में अधिक जानकारी देते डॉक्टर सलिल ने कहा कि जीवन शैली में बदलाव, हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, संतुलित वजन को बनाए रखना इत्यादि इसके इलाज में कारगर उपाय साबित हो सकते हैं। साथ ही पार्किंसन रोग के इलाज में समय से और नियमित रूप से दवाई लेना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा जब पार्किंसन रोग से पीड़ित लोगों को किसी भी तरीके से आराम नहीं मिलता है तो ज़रूरत पड़ने पर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन न्यूरोसर्जरी की